हेलो गाइज, देखिए भी आज हम अपनी नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। इसका नाम क्या भाई? सरफेस केमिस्ट्री। बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे? बिकॉज बहुत सारी रिएक्शंस आपकी ऐसी होती हैं जो किसी सॉलिड के सरफेस पे होती हैं। अपने 11th में ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ी थी, उसके अंदर कुछ कैटलिस्ट देखे थे, H2 ऑन प्लेटिनम या निकल या फिर प्लेटियम, हमने ये चीज़ें दी थी। दैट मीन्स हमने बोला था H2 गैस है, वो क्या कर रही है, एडजॉर्ब हो रखी है इन मेटल सरफेस पे। तो बहुत सारी कुछ रिएक्शंस हैं जो कहाँ पे होती हैं, सॉलिड्स के सरफेस पे होती हैं। तो उन रिएक्शंस को डील करने के लिए वो रिएक्शंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगी, या और भी आपके कुछ फिनोमिना है जो सरफेस पे होते हैं, उन फिनोमिना के साथ डील करने के लिए हमें क्या पढ़ना है, आपकी सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या होगी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद नेचर ऑफ सरफेस एंड चेंजेज। चेंजेज मीन्स आपके फिजिकल या केमिकल कोई भी हो सकते हैं, उसमें चेंजेज अकरिंग ऑन सरफेस, उसको क्या बोलेंगे हम, सरफेस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो किसके साथ डील करेगी, नेचर ऑफ सरफेस एंड चेंजेज। अगर चेंजेज आपके फिजिकल चेंज भी हो सकते हैं यहाँ पे, एंड आपके केमिकल चेंज भी हो सकते हैं, उनके साथ डील करेगी, उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, सरफेस केमिस्ट्री। तो देखिए, इस सरफेस केमिस्ट्री आपको क्या पढ़ना है, आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है एडजॉर्प्शन, जो हम एक एक चीज़ डिटेल में डील करेंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना है कैटालिसिस, एंड जो आपका थर्ड टॉपिक होगा वो होगा कोलोइडल सॉल्यूशंस। ये तीन टॉपिक इस यूनिट के अंदर आपको डिटेल के अंदर पढ़ने हैं। ये जो फिनोमिना है, ये कैसे फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना बेसिकली है यहाँ पे। कैटालिसिस जरूरी नहीं सरफेस हो, बट जहाँ पे आपका सरफेस फिनोमिना होगा, कुछ कैटालिस्ट है जो सरफेस पे जलाई किए, जो क्या करते हैं, किसी सॉलिड के सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं, तब आपका कैटालिसिस शो करते हैं। तो बेसिकली इनको हमें डील करना है, ठीक है भाई। देखिए, अब सबसे पहले पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फिनोमिना दो टाइप के होते हैं। एक होता है सरफेस फिनोमिना, दूसरा होता है बल्क फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना क्या होंगे? कोई भी प्रोसेस है, कोई भी फिनोमिना है, अगर उसके अंदर ओनली सरफेस के पार्टिकल आपके इन्वॉल्व है, इफ ओनली सरफेस पार्टिकल्स आर इन्वॉल्व इन ए प्रोसेस और फिनोमिना, then such phenomena are called surface phenomena. वो phenomena जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके surface के particle involved रहेंगे, उनको बोलेंगे surface phenomena, like आपका adsorption जो हमें detail में अभी पढ़ना है। bulk phenomena क्या रहेंगे? if All particles are involved in a process. अगर सभी पार्टिकल एक प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो उनको बोलेंगे बल्क फिनोमिना, एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन। इन टर्म्स में कन्फ्यूज नहीं होना है, बच्चे इन दोनों टर्म्स में कन्फ्यूज होते हैं, बस प्रोनाउंसिएशन भी सेम सी लगती है। ये एडजॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्प्शन है, ये एक सरफेस फिनोमिना है, ये एक बल्क फिनोमिना है, इसका डिफरेंस हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखिए भाई, जो अपना फर्स्ट टॉपिक है उसके साथ स्टार्ट करते हैं हम, जो आपका क्या है, एडजॉर्प्शन। देखिए एडजॉर्प्शन क्या होता है,
अब कोई भी सॉलिड पार्टिकल, ठीक है, कोई भी सॉलिड है या लिक्विड है आपके पास, वो सॉलिड और लिक्विड की क्या टेंडेंसी रहती है? उसकी टेंडेंसी होगी टू अट्रैक्ट पार्टिकल्स ऑफ अदर फेज ऑन देयर सरफेस. सॉलिड और लिक्विड सपोज करो ये कोई भी एक सरफेस था सॉलिड का, तो इस सॉलिड के सरफेस की एक टेंडेंसी रहती है ऊपर, इसके कोई भी फेज है, लिक्विड है या फिर गैस है, सपोज करो ऊपर गैसियस पार्टिकल्स थे, तो इस सॉलिड की एक टेंडेंसी, इस सॉलिड के सरफेस की एक टेंडेंसी रहती है इन जो दूसरा फेज है गैस के फेज के पार्टिकल्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की. इनको अट्रैक्ट करके वो क्या करेगा, रिटेन कर लेगा अपने सरफेस पे. क्या कर लेगा? रिटेन कर लेगा अपने सरफेस पे. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन. क्या बोलेंगे भाई? अगर कोई पूछे, लेमन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी सॉलिड या लिक्विड अपने सरफेस के ऊपर किसी दूसरे फेज के, डिफरेंट फेज के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके रिटेन कर लेगा, तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन. सिर्फ और सिर्फ सरफेस की हम बार बार बोल रहे हैं, सरफेस के ऊपर रिटेन कर लेगा, तो इसलिए हम एडजॉर्प्शन को क्या बोलते हैं? सरफेस फिनोमिना. अभी इसको डिटेल में हम देखने वाले हैं, तो अभी जस्ट एक बार डेफिनेशन की बात करेंगे. क्या होगा भाई? दी प्रोसेस, या फिर फिनोमिना भी बोल सकते हैं, दी फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट फेज, कोई भी डिफरेंट फेज हो सकता है, एट ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड और सॉलिड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन. देखिए भी, अगर एडजॉर्प्शन हुआ, ये आपका मेटल सरफेस था, तो जब एडजॉर्प्शन होगा तो ये पार्टिकल आके इस सरफेस पे रिटेन करेंगे, तो इस सरफेस पे अगर आपके पार्टिकल रिटेन करेंगे तो सरफेस के ऊपर ये जो डिफरेंट फेज के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. और जो बल्क का मतलब हम यूनिफॉर्मली पूरे उसकी बात कर रहे हैं, सरफेस को छोड़ के. सपोज करो ये आपके पास एक लिक्विड है, ठीक है, ये क्या आपके पास एक लिक्विड, इसके ऊपर कोई गैस थी जो आपके क्या हो रही है? एडजॉर्ब हो रही है. कुछ गैस के पार्टिकल हैं जो क्या हो रहे हैं? एडजॉर्ब हो रहे हैं. ये जस्ट आगे इसके सरफेस पे, इसके जस्ट सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहे हैं, तो जो इस गैस के मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है वो सरफेस पे क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. और ये जो आपका बल्क था इसमें क्या रहेगी? कम. बल्क में क्या रहेगी? कम. तो जब एडजॉर्प्शन होगा तो एडजॉर्प्शन होने पर क्या रहेगा? On adsorption, higher concentration, क्या रहेगा? Higher concentration of the molecule on the surface as compared to bulk. एडजॉर्प्शन होने पे क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की कहाँ पे? सरफेस पे, एज कंपेयर टू बल्क. एक सिंपल सा लेमन लैंग्वेज एडजॉर्प्शन का समझना. देखिए, नॉर्मल हम देखते हैं, टेबल है आपकी, काफ़ी टाइम अगर नॉर्मल झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, डस्टिंग करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? आपकी चेयर है या टेबल है, उसके ऊपर क्या होता है? डस्ट पार्टिकल आके जस्टिक हो जाते हैं. तो जब आपकी चेयर या आपकी टेबल है उसके ऊपर जो डस्ट आके हुआ है, जो जस्टिक हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो पेनिट्रेट ही कर गया आपके जो वुडन, सपोज करो वुडन आपकी टेबल है, तो उस वुड के अंदर पेनिट्रेट कर गया, बल्क में चला गया. वो डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं? जो सरफेस पे आके स्टिक होते हैं, उस चीज को ये जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है? एडजॉर्प्शन.
उस प्रोसेस वो फिनोमेना क्या है एडसॉर्प्शन। इस उस वुडन टेबल की सरफेस ने क्या किया, डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट किया और वो आके जस्ट उसके सरफेस पे रिटेन हो गए, अकोमोलेट हो गए। तो अकोमोलेट हो गए उस प्रोसेस, वही प्रोसेस क्या आपका एडसॉर्प्शन। अब देखो इस एडसॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक तो ये टेबल आपकी और दूसरे आपके डस्ट पार्टिकल। अब टेबल के ऊपर क्या हुआ है एडसॉर्प्शन, सो जिस कंपोनेंट के ऊपर, जिस सब्सटेंस के ऊपर एडसॉर्प्शन होगा उसको हम बोलते हैं एडसॉर्बेंट। दो टर्म आएंगे यहाँ पे, जिस सब्सटेंस के ऊपर एडसॉर्प्शन होगा उसको बोलेंगे एडसॉर्बेंट और जो सब्सटेंस क्या करेगा एडसॉर्ब होगा उसको बोलेंगे एडसॉर्बेट। एडसॉर्बेंट क्या, वो सब्सटेंस जिसके ऊपर एडसॉर्प्शन होगा, जिसके सरफेस के ऊपर एडसॉर्प्शन होगा एडसॉर्बेट, वो जो जाके किसी एडसॉर्बेंट पे एडसॉर्ब होगा। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे अपने से एडसॉर्बेट क्या होगा, सो एडसॉर्बेट क्या होगा भी, जस्ट आपको सिंपल लेवल लैंग्वेज में बात करते हैं, सब्सटेंस डेट गेट एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट, या फिर यहां पे एडसॉर्बेंट ना लिख के आप बोल सकते हो ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड एडसॉर्बेट। सो क्या बोलेंगे हम एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट क्या होगा, एडसॉर्बेंट क्या होगा आपका, ए सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस ऑन विच एडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस। कोई भी सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस जिसके ऊपर एडसॉर्प्शन टेक प्लेस होगा उसको क्या बोलेंगे हम एडसॉर्बेंट। अब यहाँ पे एक टर्म, बेसिक टर्म्स हम बेसिकली डील कर रहे हैं, एक टर्म और आएगी डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन में क्या होगा, देखिए भी वो आपकी टेबल थी, इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल आके अकोमोलेट हो गए थे, एडसॉर्ब हो गए थे। अब आप क्या करते हो, जब डस्टिंग करते हैं हम, तो डस्टिंग के टाइम पे क्या करते हैं, इनको रिमूव करते हैं। जब इसको रिमूव करेंगे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डिसॉर्प्शन। जब एडसॉर्बेट पार्टिकल्स को एडसॉर्बेंट के सरफेस से रिमूव करोगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिसॉर्प्शन। क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेट पार्टिकल्स फ्रॉम एडसॉर्बेंट सरफेस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। उसको क्या बोलेंगे हम, डिसॉर्प्शन। जो आपकी डस्टिंग जो करते हैं वो क्या है, एक एग्जाम्पल ऑफ डिसॉर्प्शन। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सपोज करो एग्जाम्पल्स की बात करें हम एडसॉर्प्शन की। एग्जाम्पल की सबसे पहले बात करते हैं, आपके चारकोल जो होता है वो बहुत जगह यूज होता है। चारकोल कैसे यूज होता है, यूज्ड एज ए एडसॉर्बेंट, एज एन एडसॉर्बेंट बहुत जगह आपका यूज होता है। कहाँ पे, सबसे पहले तो बात करते हैं फॉर गैसेज, गैस के लिए चारकोल बहुत यूज होता है। सपोज करो आपके पास एक कंटेनर में कोई भी गैस थी, गैसेस मिक्सचर था, जिसका प्रेशर था 1080, जिसका प्रेशर कितना था 1080, आपने इसके अंदर ऐड किया चारकोल, कुछ चारकोल ऐड किया, तो ये चारकोल क्या करेगा, इस गैस के पार्टिकल्स को, सपोज करो ये चारकोल का पार्टिकल है, ये क्या करेगा, चारकोल के ऊपर क्या आ जाएगी, आपके गैस के पार्टिकल एडसॉर्ब हो जाएंगे। अब जो पार्टिकल इस सरफेस पे एडसॉर्ब हो गए, अकोमोलेट हो गए, वो तो अब मूव करेंगे नहीं, सो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ
पार्टिकल्स ऑफ गैसेज फ्रीली मूविंग, जो फ्रीली मूव कर रहे थे वो क्या हो गए, डिक्रीज। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल मूविंग फ्रीली डिक्रीज होंगे तो आपके लेस नंबर ऑफ पार्टिकल कंटेनर के वॉल से स्ट्राइक करेंगे, सो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सो कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर एक गैसियस मिक्सचर है या कोई भी एक कंटेनर के अंदर गैस है, आपने चारकोल डाला, तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा, तो आपका प्रेशर ऑफ गैस जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सरफेस ऑफ चारकोल। चारकोल के सरफेस पे एडजॉर्प्शन होने से क्या हो जाएगी, आपका जो प्रेशर है गैस का वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास कोई कलर डाई है, कोई भी कलर डाई है, अगर उसके अंदर आप चारकोल ऐड करोगे तो ये चारकोल क्या करेगा, उस कलर डाई को कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा। क्यों कन्वर्ट कर देगा, बिकॉज उसके अंदर जो कलर्ड ऑर्गेनिक, जो कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहेंगे जिसकी वजह से आपका कलर था उस डाई का, वो जाके आपके चारकोल पे एडजॉर्ब हो जाएंगे, और जो आपका जो पीछे बचेगा मटेरियल वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो ये सब एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशंस भी आप बोल सकते हो, एग्जांपल भी बोल सकते हो, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है, कलर डाई के अंदर चारकोल डाला क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। क्यों, बिकॉज कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हैं वो चारकोल पे एडजॉर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो डाई है वो क्या हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी। अभी आता है नेक्स्ट आपका डिफरेंस, किसमें एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहली बात तो ये आपका सरफेस फिनोमिना होता है, सबसे बड़ा आपका डिफरेंस ये आपका बल्क फिनोमिना होता है। देखो इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ क्या है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। आपके पास एक इंक थी, एक इंक का सॉल्यूशन था, ब्लू इंक थी, ठीक है, एक ब्लू इंक का सॉल्यूशन है, और उसके अंदर आपने एक चोक डिजोल, एक चोक लिया, वाइप चोक, और वो इसके अंदर डिप किया। आपने डिप करके इसको जो बाहर निकाला तो आपने क्या देखा, जो सरफेस डिप था वो क्या हो गया, ब्लू। उस टाइम आपने डिप रखा, ये सरफेस क्या हो गया आपका, ब्लू। बट जब आपने इसको ब्रेक किया, जब आपने क्या किया, इसको ब्रेक किया, तो ब्रेक करने पे आपने देखा जो इनर सरफेस था चोक का, जो इनर सरफेस था वो एज इट इज वाइट है। एज इट इज क्या है, वाइट है, लेकिन वो वेट हो चुका है। क्या हो चुका है, वेट। आपने एक इंक ली, इंक का सॉल्यूशन था, चोक डिप किया, बाहर निकाल के आपने देखा चोक का सरफेस क्या हो गया, ब्लू। बट जब आपने चोक को ब्रेक किया तो आपने देखा अंदर का जो आपका सरफेस है, अंदर अभी भी क्या है, वाइट, लेकिन वो कैसा हो गया, वेट हो गया। ये अब देखो ये जो हुआ, जब आपने डिप किया तो जो इंक के अंदर जो ब्लू कलर आ रखा था ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की वजह से, बेसिकली वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस आके इस सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रह गए, वो ब्लू कलर अंदर पेनिट्रेट नहीं किया। ये जो प्रोसेस थी, जब सिर्फ आपके ब्लू पार्टिकल, जो इंक के ब्लू पार्टिकल्स थे, वो क्या हो गए, जस्ट एडजॉर्ब हो गए, वो क्या था प्रोसेस, एडजॉर्प्शन। लेकिन जो आपका वाटर था, जो लिक्विड था, वो पेनिट्रेट हो गया, जिसकी वजह से आपका अंदर इनसाइड सरफेस क्या हो गया, वेट। तो उस चीज को हम बोल रहे हैं क्या, एब्जॉर्प्शन। उसको क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन। ब्लू इंक के पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं हुए, ब्लू जो पार्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस थी वो आपके सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे जाके अकोमोलेट हो गए, वो प्रोसेस है एडजॉर्प्शन। बट आपका लिक्विड पेनिट्रेट कर गया, बल्क के अंदर चला गया, बल्क के अंदर चला गया, तो वो प्रोसेस आपकी क्या है, उसको क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या रहती है, कंसेंट्रेशन इज हाई ऑन सरफेस। कहाँ पे हाई रहेगी, सरफेस पे, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे आके एकोमोलेट करेंगे, और यहाँ पे कंसेंट्रेशन जो रहेगी क्या रहेगी, कंसेंट्रेशन इज यूनिफॉर्म। कंसेंट्रेशन आपकी क्या रहनी है, यहाँ पे यूनिफॉर्म रहनी है। तो ये डिफरेंस आपको समझ आया अच्छे से,
नहीं आया है तो फिर से हम डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में देखो, जब भाई आपने जो स्टार्टिंग में इनिशियली आपने ये डिप किया, तो स्टार्टिंग के अंदर तो चलो इससे वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं होगी। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ये आपने गैस ली और इसके अंदर आपने चारकोल ऐड किया। जब चारकोल ऐड किया तो इनिशियली जो आप जब इसका प्रेशर, गैस का प्रेशर आप नोटिस कर रहे थे, तो इनिशियली गैस का प्रेशर जब आपने चारकोल डाला तो सडन डिक्रीज आपको देखने को मिला, फास्ट डिक्रीज हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम प्रोसीड होता गया, ये जो डिक्रीज था वो क्या हो गया, ग्रेजुअल हो गया। दैट मीन्स अब उस स्पीड से, उस रेट से आपका प्रेशर डिक्रीज नहीं हो रहा जो कि इनिशियली हो रहा था। क्यों? बिकॉज आपका जो एडसॉर्प्शन होना है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होना है, सरफेस पे। कुछ सपोज करो ये चारकोल का सरफेस था, तो इसके ऊपर कुछ साइड्स हैं, बस यही साइड हैं जहाँ पे क्या हो सकता है, एडसॉर्ब हो सकता है। अगर यहाँ पे आके गैस एडसॉर्ब होगी तो अब जो दूसरी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास स्पेस ही नहीं है कहाँ पे जाके वो एडसॉर्ब हो। सरफेस तो चाहिए जहाँ पे एडसॉर्प्शन होगा। तो ये जो आपका प्रोसेस होता है एडसॉर्प्शन, वो क्या रहता है, वो टाइम के साथ डिक्रीज होता है। क्या होता है? एडसॉर्प्शन डिक्रीज, एडसॉर्प्शन रेट डिक्रीज विद टाइम। लेकिन एब्जॉर्प्शन के अंदर ऐसा कोई केस नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन का जो रेट होता है वो यूनिफॉर्म रहता है। एब्जॉर्प्शन रेट इज यूनिफॉर्म, एब्जॉर्प्शन का रेट क्या है, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये आपका क्या था, डिफरेंस थे जो आपको माइंड में रखने हैं। सिंपल सिंपल सी आपकी ये बातें थी एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की, क्या होता है, जो मेन टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आज हमने डिस्कस किया है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आई होप समझ आया होगा, एक बार इनको पढ़िए, सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है, इन बेसिक टर्म्स के साथ फेमिलियर हो जाइए, फिर हम डिटेल में चलते हैं। थैंक यू।